वो तो इन्नी चल गए, पर मैं इन्नी जोगा दुनिया भी नहीं सी। पर महाराज फिर भी तुहाडा हुक्म सिर मत्थे है, जिंदगी नू हर हालत विच चलदी रखांगा, ये तुहाडे नाल वादा करना। जितों तक शुभदीप दा सवाल है, वो एक बड़ा सीधा साधा नौजवान जिवें आम पिंड जट्टां जवाक हुंदा है, इस तरह दा उहदा जीवन सी भरावो। नर्सरी दे विच जदों मैं मानसा विद्या भारती स्कूल दे विच पढ़न लग्या तां मेरा ख्याल उदों मेरे पिंड नूं कोई इत्थों बस भी नहीं जांदी सी। उहनां समयां दे विच साधनां दी बड़ी घाट सी, पर फिर भी कदे बसां दे उत्ते, कदे अपने स्कूटर ते छड्ड के, कदे 2.5 साल दा सी, 3 साल दा जो सैकंड क्लास दे विच पढ़दा सी, मैं फायर विभाग दे विच वीरों नौकरी करदा, उधरों अग लग गई, उधरों मैनूं छड्डण गया होया, मैं 20 मिनट लेट हो गया। उस दिन तो मैं कहा, पुत्रा जा तू पढ़ेगा जा मैं नौकरी करूंगा। असी छोटा जा साइकिल लेता, तुसी यकीन करो सैकंड क्लास तो साइकिल ते जाना शुरू किया, बच्चे ने प्लस टू तक साइकिल चलाया, डेली 24 किलोमीटर स्कूल जाना, फिर 24 किलोमीटर ट्यूशन ते जाना। इस बच्चे का कण कण मेहनत के नाल भरिया पिया है, किते भी मतलब पैसे दियां तंगियां तुरछियां दे नाल। असीं बड़ी असीं दो भरा हां, सानूं 5-5, 6-6 किले पितापुर की जमीन आउंदी सी, कोई पैसे दी भी कोई आपां कह दईए भी ज़्यादा अमीरां वाली गल नहीं सी, भी रोह खिचता तू करके आपणा टाइम पास किया सी। इन्हां हालातों चों मैं बच्चे नूं इत्थों तक लेके आया, कदे जेब खर्च भी इस बच्चे नूं पूरा नहीं मिलिया सी, पर इन्हें अपनी मेहनत सदका प्लस टू की नॉन मेडिकल दे नाल, उस तो बाद ग्रेजुएशन करन वास्ते लुधियाना जी गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज चला गया, उपरंत आईलैट्स करके बाहर चला गया। वीरो सारी डिग्री करन उपरंत भी इसने मैनू कदे भी तंग नहीं किया, जेड़ा भी जेब खर्च माड़े मोटे गाने लिख लेंदा, जदों कोई जेब खर्चा मुकदा एक दा गाना सेल करता ते आपदा टैलेंट पाया। इस तरह ही बुलंदियां ते पहुंच तक भी इस बच्चे ने कदे भी अपनी जेब दे विच पर्स नहीं रखिया। देखो जदों भी कोई 1000 की लोड़ है, 2000 की लोड़ है, पापा दिओ पैसे, पापा दिओ पैसे। मिल इन्नी निम्रता, इन्ना प्यार, मैं कहिंदा जिन्ना साडे हिस्से आया शायद ज़्यादा करन करके जल्दी मुक गया, मैं महसूस करदा। ये बच्चा जदों भी घरों निकलता है कदे भी पैरी हाथ लाए तो बिना, आग्या लाए तो बिना गड्डी दी सीट ते बैठ भी जाना, मां मां कह के बोल मारते रहना, जब तक मां बुक्कल च ना लेंदी, कन्न थले टिक्का ना लाउंदी, कदे घरों नहीं चलिया सी। वीर 29 तरीक पता नहीं किहो जी आई कि मां पिंड विच मर्ग होई सी, किसे दे बैठन चली गई, पर मैं घर विखे सी। मैं कहा भी मैं पुत्र तेरे नाल चलदा, परंतु कहिंदा तुहाडे कपड़े ठीक नहीं, मैं खेतों आया सी ते तुसी आराम कर लो, नहा धो लो। मैं 5 मिंटां जी बस जूस वगैरह पी के वापस आ गया। तो जिहड़ा ओ मैं हमेशा परदे दी तरह परछावां बन के बच्चे दे नाल रहा सारी जिंदगी, ते आखिर समय दे उत्ते वीरों मैं भी खुंझ गया, ते अज मेरे हथ वो समा नहीं लग रहा। मैनू बार बार पछताउण तो इलावा मेरे पल्ले कुछ भी नहीं रहा। वीरो तुसी सरकारां दे मालक हो, सारे लीडर साहिबान बचे हो, मेरे पंजाब नूं इस अग चों कढ लो। अज मेरा उजड़िया, कल किसे दा होर ना उजड़े। मेरी तुहाडे सारिआं दे अगे हथ बन के बेनती है कि मैनू हले तक इह वी नहीं पता वी मेरे बच्चे दा कसूर की सी। कम से कम जे मेरा बच्चा कोई गलती करदा है ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤਾ ਭਲਾਂਬਾ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਹ ਡੋਲਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸਭ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਂਬਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਇਆ ਵੀ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਖਾ, ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਖਾ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਐਂ ਰਖਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਾ
परमात्मा ते विश्वास है, अपना कोई माड़ा नहीं करता। वीरो जे आपां कोई गलत काम करते होइए तां शैतान बंदा अपनी सौर सुरक्षा करता है। जे मेरा बच्चा कदे किसे किते गलत भी हुंदा तां उह कल्ला गड्डी लैके कदे नहीं आउंदा सी, उह नाल पंज सत गनमैन भी रखदा, चाहे प्राइवेट मुंडे प्राइवेट क्यों ना रखदे सी, क्योंकि सानू कदे खतरा महसूस होया ही नहीं सी। असी छोटे मोटे जिहड़े हालात बिगड़दे कंट्रोवर्सियां चलदियां रहियां उन्हां तों असीं इन्ने ज़्यादा परेशान सी, पर सोशल मीडिया की कृपा भी इन्नी रही भी छोटी जी गल हुंदी नहीं तुहानूं वधा चढ़ा के पेश करी जाणा। सोशल मीडिया ते मेरे बुरे हथ बन के थोड़े बुरे बेनती है, वीरो दुख असीं पुत दा जर लांगे, थोड़े नाल वादा करदा गुरु ग्रंथ साहिब दी हाजरी च असीं अपनी जिंदगी नूं किवें ना किवें रोड़न दा हीला कर लांगे, पर मेरे परिवार नूं मेरे पुत दे सिवे नूं उत्ते वख वख खबरां ना बणायो, उहनूं किते कहानियां बना बना के स्टोरियां ना पायो। मैं पुत गुआया है, जदों मैं देखदा मैं फोन नहीं देखा वीरो जितन दी घटना हुई है, मैं जदों पढ़दा मेरा हिरदा बलूंदरे जांदा है। मेरा बच्चा बेहद संत साध सुभा दा बच्चा सी, वह कदे भी किसी का नुकसान करना नहीं चाहुंदा सी, पर उहदा अपना हो बैठा है, क्योंकि जे उहदे मन दे विच कोई भी पुन पाप हुंदा जां उहनूं किसी गल तों खतरा हुंदा तां उह अपनी सुरक्षा का होर भी प्रबंध कर सकता सी, वो बुलंदियां ते पहुँच के अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी भी रख सकता सी। तुसीं खा बखा हरेक चीज़ नूं खबर ना बनाया करो, कदे तुसीं भाई राजे बारे कुछ बोल दिंदे हो, कदे किसे वीरो साडी जिहड़े परिवार ने मदद करी है, जिहड़ा भरा दो साल तो साडी मदद करदा रहा है, की कसूर हो गया जे असीं उहदा तुसीं ना लै लै के बुरा भला बोल दो, मैनूं बहुत बुरा लगता इस गल तों। वीर बन के सानूं सिर्फ मैं तुहानूं सारे नूं क्लीयर कर देना, क्योंकि तुहानूं सारे तुसीं सुनने वाले सारी गल सुनना चाहते हो। सिद्धू दा नूं इलैक्शन च कोई नहीं लेके आया, सिद्धू नूं उहदा इलैक्शन लड़ना अपना मन सी। मैं भी रोकिया, भाई राजे ने भी रोकिया उहनूं, भाई तेरे बस की गल नहीं, तेरा बड़ा वधिया फ्यूचर चलता, सानूं तो एक हलका जानदा, तो तू तो दुनिया से मशहूर है। उहदा अपना फैसला सी वीरो, एवें ना किसी नूं बुरा भरा बोलिया करो। मेरी थोड़े चरणां च हथ बन के बेनती है वीरो, पहाड़ जिड्डा दुख है कहना सौखा है, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पर जिंदगी दे विच बिल्कुल घुप हनेरा होया। पर शायद मैं सोचता हुंदा सी भी बंद एक अद्धा पड़ा हर एक इंसान की जिंदगी दे विच माड़ा हुंदा, चाहे बचपन आ जाए, चाहे बुढ़ापा आ जाए, चाहे जवानी आ जाए। पर मैं एक बदकिस्मत बाप हाँ, मैं बचपन भी माड़ा वेख्या, मैं बुढ़ापा भी माड़ा वेख रहा, चलो फिर भी ये अपने कोई कर्मां दीआं तकदीरां दे कोई मैथों गऊआं दे वाड़े नूं अग लगी होनी है, कदे कोई पाप होया होना। मैं गुरु ग्रंथ साहिब नूं बेनती करदा वी सच्चे पातशाह अणजाण बच्चा समझ के होईआं पुल्लां दा परिवार ते हथ रखियो। किसे भी वीर नूं कदे कोई सिद्धू ने वीर बच्चे ने कुछ शब्द माड़ा चंगा बोलता होवे, मेरे परिवार ने कदे किसे नूं बोलता होवे, मैं सारिआं तों हथ जोड़ के माफ़ी मंगदा वीरो। तुसीं इवें जिवें सिद्धू नाल प्यार बनाई रखियो, मैं वादा करदा जिन्नी कि मेरे च हिम्मत बची है मैं अपने बच्चे नूं, सिद्धू तां नहीं बन सकदा पर उहदे कदमां ते चलण दी कोशिश करूंगा। मेरी कोशिश है भी हले सिद्धू नूं मैं 5-10 साल तक जिउंदा रखां, क्योंकि सिद्धू गीता राहीं तुहाडे कन्नां दे विच वजदा रहूगा, मेरा तुहाडे नाल वादा इस गल दा। मैं जिन्नी हिम्मत दे नाल पुत दा संस्कार कीता है, उन्नी हिम्मत दे नाल सिद्धू नूं तुहाडे नाल हर आखरी साह तक जोड़न की कोशिश रखूंगा। फिर भी कोई किसी नूं ज़्यादा कोई वध घट बोल गया हो मैं वीरो अणजाण दुखी बाप समझ के माफ कर दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सिंह साहब ज्ञानी हरपाल सिंह जी ओ परिवार नूं दरबार साहिब वल्लों दस्तार दे रहे ने, बोले सो निहाल। बहुत ही भावुक शब्दों के अंदर माता जी नूं सरूपा दिता जा रहा है, बोले सो निहाल। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सचखंड श्री हरिमंदर साहब वालों बख्शिश हुई है सरूपा उहदी, ते नाल अरदास भी है कि सतगुरु जी परिवार नूं भाणा मन्नण दा बल बख्शो। और बहुत ही भावुक शब्दों के अंदर सात संगत जी बापू जी ने जो अपने विचार ने वो पेश किए ने। माता जी दो मिनट बोलना चाहते ने, मैं उन्होंने बेनती करांगा कृपा करके कि वो संगत के नाल विचार रखन,
बाबा बलजीत सिंह जी दादूवाल भी सिरोपाओ की बख्शिश कर रहे ने हरियाणे दी संगतां वालों। बोले सो निहार माता जी, माता चरण कौर जी। सब तो पहला तो गुरु महाराज की हजूरी विच पहुंचिया सारिया सिख संगतां, मेरे भरा, मेरे बच्चे, मेरिया भैन, मेरिया मातावां, सारिया नूं वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वीर जी ने भी उन्होंने सारिया शुभ दिया गल्लां बातां सुनिया, उन्होंने वेरवे अनुसार सानू सारिया नूं सारा कुछ दस दिता, कुछ सानू तां कुछ दसण दी लोड़ नहीं। उन्होंने फादर साहब ने भी उहदी जीवनी बारे की दस्सिया, उन्होंने की संघर्ष किया, कित्थों कित्थे आए, वो भी मैनू दसण दी लोड़ नहीं। पर जिद्दे 29 मई नूं काला दिन चढ़िया, उत्ते मेरा सब कुछ ऐं लगदा सी वी खत्म हो गया। पर सोडे उत्साह ने, मेरिया मावां, मेरिया भैणां, मेरे बच्चे, बजुर्ग, जिन्हां ने भी साडा दुख विच साथ दिता, मैनू फिर तो ऐं लगण लग्या भी मेरा शुभ गया नहीं, मेरे आस पास है। मैनू बहुत हौसला मिलिया, कृपा करके साडे हौसले नूं इदां ही बनाई रखियो। जो भी शुभ बोलदे सी पग नूं, अपने माता पिता दे सत्कार नूं, उसे तरह जे मैनू मेरी मां समझदे हो, मैं तुहानूं आपदे बच्चे समझूंगी, उसे तरह उसदे जो बोल ने उहनां नूं कायम रखियो। अज प्रदूषण बहुत वध चुक्या, मैं हरेक बच्चे नूं, हरेक मेरे बजुर्ग नूं मैं बेनती करना चाहुंदी हां भी उस दे नाम दा एक एक रुख ला के उहनूं छड्डणा नहीं, उहनूं पालना है, उसनूं बोड़ दी तरह वधाउणा है, तां जो मैनूं कुछ ना कुछ शांति मिल सके। इन्नियां गल्लां करदी हुई मैं खिमां दी जा चुका, इत्थे पहुंचण दे सब दा धन्नवाद करदी हां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। माफ करना, एक दो बेनतियां होर ने। बेटे दा सोशल मीडिया दे उत्ते इंस्टाग्राम दे जिहड़े पेज बनिया होया है, कई मेरे भरा इस गल तो भी गुरेज नहीं कर रहे कि उहदे फेक पेज बना के कोई मत्था टेकन लई पैसे पवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मैं तुहानूं सारिआं नूं एक बेनती करदा, थोड़े चरणां च तुसीं कोई भी सिद्धू मूसेवाले नाल जुड़ी कोई जानकारी है, कोई प्रोग्राम है, उहदे जस्टिस संबंधी मैं खुद अनाउंस करूंगा। आपां वेखदे हां, आपां सरकार नूं टाइम दित्ता, जे आपां नूं कोई अगला संघर्ष लीकूंगा मैं कोटे, जद तक आपां नूं इंसाफ नहीं मिलता टेके नहीं बैठांगे, मेरा थोड़े नाल वादा है। पर मैं ये भी नहीं करना चाहुंदा भी मैं किसे नूं समां भी ना देवां, सरकार नूं समां लगदा है टाइम। तो मैं थोनों इंस्टाग्राम के उत्ते जो भी संघर्ष की अगली रूपरेखा थोनों असी दसांगे। होर जिहड़ियां फेक सूचनावां ने, कोई कुछ पेज बनाई बैठा, कोई स्टोरियां पाई जांदा, बहुत कुछ होगा उहदे इंस्टाग्राम ते सिद्धू दे नाम ते, तां तुसीं कोई भी गल दा सच नहीं मनना, किसी भी गतिविधि नूं सच्चा नहीं मन लेना जद तक थोनों मैं दसूंगा। मैं खुद लाइव हो के वीडियो पा के थोनों उसकी मुकम्मल जानकारी देऊंगा। धन्यवाद। सो सात संगत जी, दोबारा फिर सारी संगत का धन्यवाद। कड़ाह प्रसाद की देग वरताई जा रही है। ये पहला एडा वड्डा समागम है भी सारी समाप्ति होगी तो अजे तक जिहड़ी संगत आ वह बाहर सात संगत जी लाइनां विच लग के मत्था टेकन लई आ रही है। तो बड़े भावुक शब्दों विच सरदार बलकौर सिंह जी ते माता चरण कौर जी ने तुहाडे नाल विचार सांझे कीते ने। हुण आपां 2-4 मिंट लई सतनाम वाहिगुरु का जाप करांगे। महाराज साहब जी का सुख आसन होएगा। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु।
सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। तो साध संगत जी, दोबारा फिर क्योंकि जितनी भी संगत वड्डी गिनती विच हाजरी लवा रही, धन्नवाद है। हुण इत्थे ही जो अंतम अरदास समागम इहदी समाप्ति है, दोबारा फिर सारयां दा धन्नवाद जी किसे दा, क्योंकि समुचे रूप विच असीं यतन कीता है कि सारयां दी हाजरी जिहड़ी ओह इसे तरीके नाल ही समुचे रूप विच लगे। सो इस करके सारयां दा नां नहीं लिया गया, इहदे वास्ते भी असीं खिमां दे जाचक हां। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वलंटीयर साहिबाना ने बहुत वड्डी सेवा